फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हरे मटर के पराठे, ग्रीन पीज स्टर्ड पराठे। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो छिली हुई मटर, रफली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, ये 1 इंच जिंजर, लगभग 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 3 चिलीज, 2 कलियां लहसुन जिसकी हमने लहसुन छील लिया है, नमक स्वाद अनुसार, हींग लगभग 1/2 टेबल स्पून, तेल ज़रूरत के अनुसार। इसका फ़ायदा तो मैंने मटर का फ़ायदा आपको निमोने की रेसिपी में बता ही दिया था, तो मटर की फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाने के लिए हमें तरह तरह की डिशेस का पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैं आज आपको मटर के पराठे सिखा रही हूँ। अब आइए नेक्स्ट प्रोसीजर बताते हैं। पैन चढ़ा लिया है, अब इसमें लगभग 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे और गैस तेज कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, इसको मिला लेंगे। अब ये पॉप होने लगा है, देखिए धीरे धीरे लगभग जब तक ये ब्राउन ना हो जाए जीरा, तब तक हमें इसको चलाना है। ये देखिए अब हमारा जीरा ब्राउन हो गया है। अब इस स्टेज पे हमने 3 ग्रीन चिलीज डाल दी है, चिलीज एकदम खड़ी खड़ी हमें डाली है। हमने इसमें चिलीज और लहसुन डाल लिया है। जिंजर डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको निमोने में बताया था कि कोरिएंडर लीव्स निमोने में ज़्यादा पड़ता है, उसी हिसाब से ये मटर के पराठे में भी ये कोरिएंडर लीव्स थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। हमने इसको रफली चॉप किया है क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसको पीसना ही है। ये देखिए, ये इसको तड़का भी बोल सकते हैं, ये इसमें ये सब तड़के ही हैं इसके। अब हम डालेंगे इसमें अपना हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे और फिर जो हमारे मटर थे वो हम इसमें डाल देंगे। ये लगभग 1 किलो मटर है हमारे जो हमने छील लिए थे, और नमक स्वाद अनुसार डाल के चला लेंगे। और अब हम इसको ढक करके रख देंगे और इसको दो मिनट या तीन मिनट के बाद खोलेंगे, तब तक मटर हमारे थोड़े गल जाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं लेकिन हमें लगता है कि इस मटर को अब से 3 से 4 मिनट और लगेंगे पकने में, क्योंकि ये उसकी गली नहीं है, ये एकदम से गल जानी चाहिए मटर। 3 मिनट और हम इसको ढक देंगे, मीडियम फ्लेम से ढक के रख देंगे। अब फिर से 3 मिनट हो चुके हैं, अब ये हमारे मटर एकदम अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए ये गल गए हैं मटर अच्छे से हमारे। और अगर आपको बीच में लगे कि मटर जल रहे हैं या लग रहे हैं, तब आप इसको चला भी सकते हैं धीमी आँच करके। अब हम इसको निकाल लेंगे मटर को अपने प्लेट में और इसको ठंडा होने देंगे 2 से 3 मिनट। जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको अपने ग्राइंडर में पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट क्या मतलब, एकदम सूखा ही पिसा जाएगा क्योंकि हमें इसको पराठे में भरना है, तो बिना पानी डाले आप इसको चला चला के अपने ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी फिर हमारे पराठे के लिए। तो हमें इसको निकाल के अपने ग्राइंडर में पीस लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमने मटर पीस लिए हैं अच्छे से अपने ग्राइंडर जार में, ये मटर अब पीस गए हैं। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है मटर के पराठे के लिए। अब हम आटा ले लेंगे, ये आटा हमने सॉफ्ट गूथा है, खूब सॉफ्ट, क्योंकि सॉफ्ट रहता है तो फिलिंग अच्छी बनती है फ्रेंड्स। अब हम इसकी छोटी सी रोटी जैसी बना लेंगे,
ये आटे में हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अजवाइन डाल के आटा गूंथ लिया है, क्योंकि ये मटर है तो इसीलिए हमने इसीलिए हींग भी डाला है छोंकते वक्त, कि जिससे इससे गैस वैस ना हो। और आटा जब गूंथा है तो हमने इसमें हींग डाल लिया है थोड़ा सा, देखिए खूब अच्छे से स्टफ। जैसा कि मैंने गोभी का पराठा जब बताया था तो मैंने कहा था कि अच्छे से जितनी फिलिंग रहती है किसी भी स्टफ पराठे में, अगर फिलिंग अच्छी रहती है तो पराठा अपने आप अच्छा बनता है। ये देखिए इसको ऐसे ऐसे दबा के ऐसे ऐसे करके, शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए हम इसमें सूखा आटा लगा लेंगे, सूखा आटा लगा के गोल गोल बेल लेंगे हम। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा भी कुछ गीला हो रहा है या वो हो रहा है तब आप इसमें सूखा आटा लगा लेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। अगर ये फट भी जाए तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने फिलिंग खूब अच्छी डाली है तो ये थोड़ा सा तो वो होगा ही, आप बस सूखा आटा लगा लगा के इसको बेलते जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये, प्रोटीन से भरपूर होते हैं ये मटर के पराठे। अब मटर खाना चाहिए तो एक तो निमोना की डिश मैंने आपको बताई थी और ये मटर के पराठे भी बता रहे हैं, जिससे आप ठंड में खूब पराठे खाएं, खूब मटर का यूज़ कर सकें। अब हम इसको तावे पे अपने डाल देते हैं सेकने के लिए कि ये एक तरफ से सेक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पराठा हमारा एक तरफ से सेक गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल लगा देंगे और फिर इससे पलटे से इसको पलट देंगे। ये देखिए ये पराठे बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं, ये ब्रेकफास्ट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसको रात में भी खा सकते हैं एज अ डिनर। टमाटर की चटनी बनाइए और उसके साथ ये ठंड में बहुत अच्छा लगता है। ठंड में गाजर का हलवा बनाइए, मटर के पराठे खाइए और अलग टाइप का डिनर करिए, खूब मज़ा आते हैं। गरम गरम मटर के पराठे, खीर, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए अब हमारे पराठे सेक चुके हैं, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे मटर के पराठे सेक के तैयार हो चुके हैं। अब मैं तो इसको टमाटर की चटनी के साथ खाने वाली हूँ, टमाटर और धनिया की चटनी के साथ। आप भी रोज़ बनाएं और खूब खाएं इसको मज़े से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।